सवर्णों के आरक्षण के फैसले पर क्यों मचा है सियासी बवाल। सवर्णों के आरक्षण के फैसले पर विरोधियों ने उठाए सवाल। नए साल के आते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों ने तेजी पकड़ ली है। 2019 की पहली ही कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए बीजेपी ने कहा है कि इस तरीके का फैसला सिर्फ 56 इंच सीने वाला व्यक्ति ही ले सकता है। वहीं कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। उन्होंने कहा है कि ये फैसला चुनाव को देखते हुए किया गया है। बकौल रावत, अब वो चाहे जो भी जुमला दे ले, लेकिन ये सरकार बचने वाली नहीं है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला ही तो नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से संसद चल रही थी, ऐसे में आखिरी दिनों में इस प्रकार का फैसला करना, ये सिर्फ एक सरकार का नया नाटक तो नहीं। वहीं लालू यादव की आरजेडी ने भी सवर्णों को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को चुनावी जुमला करार दिया है। बकौल सीनियर वकील केटीएस तुलसी, मोदी सरकार का ये फैसला पूरी तरह से मजाक है। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इस बिल को ये पास भी नहीं करवा सकते हैं। केटीएस तुलसी ने कहा कि अगर कोई साधारण बिल पास नहीं हो पा रहा है तो फिर ये बिल कैसे पास हो जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले ने फैसले का स्वागत किया है। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी एनसीपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। आपने तो सरकार बिल का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।